हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो ज़िंदगी से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशिए का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये ऐसे स्क्वायर में बनेगा, चौरस में, बिल्कुल चार कोने में बनेगा। ये देखिए, आप इस डिज़ाइन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चौरस बना के बेडशीट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप इसका, टेबल मैट बना सकते हैं, सोफ़ा कवर बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं ये डिज़ाइन, और वीडियो पसंद हो आपको, अगर लगी हो मेरी तो लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो फ्रेंड्स आप, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छी लगी हो वीडियो। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले वही गांठ लगाएंगे धागे में, गांठ लगाई, और हमने तीन चैन बनानी है, एक दो तीन। तीन चैन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया पहले में डालेंगे, पहली चैन में, और दो का एक कर देंगे इसको ऐसे। और अब हमने क्या करना है, एक दो तीन, तीन की चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिए में फिर हम इसके अंदर, जो हमने ये गोल बनाया है इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे दो बन गए ऐसे। तो फिर हमने एक दो तीन चार, चार की चैन बनानी है, और फिर हमने वहीं डिप करना है बीच में, और डबल क्रोशिए से दो बनाने हैं। फिर ऐसे देखिए, फिर मैं चार की चैन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया इसके अंदर डिप करके, ये देखिए एक दो तीन, तो तीन बन गए। फिर हमने चार की चैन लेके इसमें डिप करके दो और बनाने हैं ये डबल क्रोशिए से। ये हमारे चार हो गए, एक दो तीन चार। तो एक दो तीन चार, चार चैन लेके अब हमने यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में हमने तीन की चैन ली थी, एक दो तीन, तीसरी चैन में हम सिंगल क्रोशिए से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, ये कुछ ऐसे बन के आया। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमने ये हमारा बीच में आया, तो हम इसको क्रोशिए को, सिंगल क्रोशिए को डिप करके ले जाएंगे ऐसे, बीच में ले आएंगे ऐसे। बीच में आ गया, एक दो तीन, तीन की चैन बना के, और डबल क्रोशिया हमने 6 बार बनाना है इसमें। एक बार तो हमारा हो गया, और 5 बार और बनाएंगे। ये देखिए, 6 बार बनाया मैंने, एक में 6 बार बनाना है, अगले में 6 बार बनाएंगे। उससे पहले मैं तीन की चैन ले लूँगी और अगले वाले में भी 6 बनाऊँगी डबल क्रोशिए से। अब मैंने चारों जगह 6 6 बना लिए हैं, छः छः चारों जगह बना लिए। तो अब हमने एक दो तीन, तीन की चैन बना के, और फिर इसके अंदर एक दो तीन, तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया डाल के जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए, जो हमने ये चार बनाए हैं, ये देखिए, ये हमने 6 6 बनाए हैं, और बीच में तीन तीन की चैन ली है, और ये इसके अंदर बनाते जाना है और तीन की चैन लेके जाना है। तो इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मैंने तीन की चैन बनानी है, फिर
तीन की चैन बनाने के बाद फ्रेंड्स ये छः हैं हमारे, तो हमने पहले तीन में क्या करना है, डबल क्रोशिया लेके अगले वाले में डालेंगे और दो का तीन का दो करेंगे, और फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे और अगले वाले में डिप करेंगे, तो ये हमारे चार हो गए, चार को तीन करेंगे, ऐसे तीन का एक करेंगे, और बीच में हमने दो की चैन लेनी है, और फिर हमने क्या करना है अगले में, जो तीन हमारे ये पीछे हैं तीन आगे, तो अगले वाले में हमने क्या करना है, फिर वही तीन हो गए, तीन का हमने दो करना है, और डबल क्रोशिया फिर लेंगे, लपेटेंगे, और फिर हमने चार का तीन करेंगे, ये तीन रह गए, और फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी के अंदर फिर डालेंगे, तो हमारे पांच के हो गए, पांच के चार हो गए, चार हम क्या एक कर देंगे, ये देखिए। और अब मैं एक दो दो की चैन बनाऊंगी, और ये बीच में आ गई हूँ, तो यहाँ डबल क्रोशिया से एक बनाऊंगी, ये देखिए, और एक दो तीन तीन की चैन बनाऊंगी, फिर एक इसके अंदर ही डबल क्रोशिया से बनाऊंगी, ये देखिए, एक मैंने फिर इसके अंदर बनाया, तीन की चैन लेके फिर इसी के अंदर बनाना है, और इन छः के ऊपर क्या करना है, दो की चैन बनानी है और डबल क्रोशिया ऐसे बिनना है, और दो ऐसे करने हैं, फिर मैंने डबल क्रोशिया करना है, और फिर अगले वाले में ऐसे करना है, निकालना नहीं है, पूरा तीन हो गए, फिर हमने इसी के अंदर डिप करके ये हमारे ऐसे चार हो गए, चार का हमने एक करना है, ये देखिए। फिर मैं दो की चैन लूँगी, और जो लास्ट में हमारे तीन बचे हैं उनमें भी ऐसे ही करूँगी, बीच का छोड़ दूँगी फ्रेंड्स, आगे के दो वाले में तीन बनाऊँगी मैं, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, चार का एक कर दूँगी, और फिर मैं दो की चैन लेके ये जो बीच में है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, और फिर तीन की चैन लेके फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, और दो की चैन लूँगी, और छः पे जो मैंने किया था वो करूँगी दोबारा रिपीट, और ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, बीच में तीन की चैन बना के फिर डबल क्रोशिया ऐसे बनाऊँगी, ये देखिए, और यहाँ दो की चैन बना के और मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया से, ये देखिए, तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखाई आ रहा है, अब क्या करना है फ्रेंड्स हमने, अब मैं तीन की चैन बनाऊंगी, एक तो हमारा यहीं पे हो गया, तो अब हम ये देखिए इसके बीच में डालूंगी दो, ये देखिए दो डाले, और एक यहाँ पे डालूंगी जो हमने तीन का कर रखा है, एक इसके ऊपर डालूंगी और दो आगे डालूंगी, ऐसे, और फिर ये हम बीच में आ गए यहाँ पे, और अब मैं यहाँ बीच में जो ये साइडें दिखाई दे रही हैं हमें, ये वाली चार कोनों वाली, इनमें हम डबल क्रोशिया से एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिया डाले एक ही में, और चार की चैन लेनी है, और चार फिर उसी में डालने हैं दोबारा,
यहीं चार और डालने हैं, मतलब आठ हो जाएंगे, लेकिन बीच में चार के बाद हमने चार की चैन लेनी है। ये देखिए, तो अब हमने आगे दो डालने हैं अगले वाले में, तो हमारा तीन वाला आ गया। ये जो तीन तीन बनाए थे इनके ऊपर मैं एक ही डालूंगी, और बीच में जो गैप है इनके तो दो डालूंगी इसके अंदर, और फिर तीन वाला आ जाएगा तो इसमें एक ही बनाऊंगी और इसके आगे दो बनाऊंगी। और हम फिर यहाँ आ गए हैं बीच में, तो यहाँ पे मैं चार बनाऊंगी पहले, और चार की चैन लूंगी, एक दो तीन चार, चार की चैन लेके दोबारा इसी के अंदर चार बनाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा एक तरफ का हो गया। तो इसके अंदर कितने आ गए कुल? दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह, सोलह हमारे यहाँ पे ये चावल आ गए, और इसके बाद हमारे चार चार की ये चैन आके चार चार हमारे इधर हुए। तो आपने यही चारों तरफ गिनते जाना है और डालते जाना है। अब मैंने यहाँ पे, यहाँ अगले वाले में दो डालने हैं, और यही तीन वाला आ गया, इसके ऊपर एक ही डालेंगे, जो हमने छः के ऊपर तीन तीन किए थे, और बीच में दो डालूंगी। और ये हमारा कोना आ गया, तो कोने में मैं पहले डबल क्रोशिया से चार डालूंगी, और उसके बाद चार की चैन लूंगी, फिर चार यहीं पे डालूंगी। एक दो तीन चार, चार की चैन डाल के फिर इसी के अंदर चार रिपीट करूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे साइड में मैं आगे दो डालूंगी। आपने फ्रेंड्स, ये बिल्कुल चकोर है, तो आपने यहाँ 16 बिनने हैं। तो 16 आपने कैसे बिनने हैं? जो आपका बिल्कुल कोने वाला है उसमें तो आप आठ बिनोगे, बीच में तीन की चैन लेंगे, दो यहाँ बिनोगे, और जो तीन तीन के ये बने हुए हैं इनके ऊपर एक एक बिनोगे, और बीच में दो दो बिनोगे यहाँ पे, और साइडों में चार चार बिनोगे, तीन की चैन लेंगे फिर चार बिनोगे। बस आपने यही रिपीट करते जाना है, मैं राउंड पूरा करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं लास्ट में आ गई हूँ, तीन के ऊपर एक बना हुआ है। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया से तीसरी चैन में इसको जोड़ दूँगी। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल चकोर बन गया है। बीच में 16 16 हमारे चावल बिने हैं मैंने, आप देख लीजिए, अगर आपके ज़्यादा आए तो कम करने की कोशिश कीजिए, इससे ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन, और तो कुछ नहीं है। तो गिन गिन के डालिए आप। तो अब आपने तीन की, सॉरी, यहाँ स्टार्टिंग है एक दो तीन चार पाँच, स्टार्टिंग में हमने पाँच की चैन लेनी है, तो हमने क्या करना है, एक दो दो छोड़ के तीसरे के ऊपर इसको डबल क्रोशिया से ऐसे डालेंगे। फिर दो की चैन लूँगी मैं, यहाँ पाँच की स्टार्टिंग में ली है, दो की चैन लूँगी, एक दो तीन तीसरे के ऊपर डालूँगी, फिर दो की चैन रखनी है और डबल क्रोशिया, फिर एक दो, और हम कोने पे आ गए हैं। तो कोने पे आके मैंने यहाँ पे वही चार डालने हैं डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, चार इधर डाले, चार की चैन चार यहाँ। तो अब मैंने दो की चैन, एक दो दो छोड़ के तीसरे के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर मैं दो की चैन लूँगी, दो छोड़ के तीसरे के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर
फिर मैं दो की चैन लूँगी, यही रिपीट करती जाऊँगी, दो छोड़ती जाऊँगी और तीसरे के ऊपर चैन लेती जाऊँगी। सॉरी मेरा यहाँ थोड़ा गलत हो गया, दो छोड़ूंगी और तीसरे के ऊपर डालती जाऊंगी, दो छोड़ के तीसरे के ऊपर ऐसे डालूंगी। तो ये हमारे जाली 1 2 3 4, अब हमारी पांचवी जाली दो बनाऊंगी और यहाँ बीच में डालूंगी, यहाँ पे ये यहाँ। तो यहाँ पे तो मैं चार ही बिनूंगी, चार बिनने के बाद चार की चैन लेके दोबारा यहीं पे चार और डालूंगी। ये हमारे कोने हैं जैसे ये है, तो 1 2 3 4 5, ये पांच जालियाँ हमारी ऐसी बिल्कुल 16 चावल में ऐसे बनेगी। तो बता आपको मैं दिखाती हूँ बना के। तो ये देखिए मैं कोने पे दो डालूंगी, दो जालियाँ लूंगी और 1 2 तीसरे में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर मैं दो जालियाँ डालूंगी और मैं लास्ट पे आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पांच ली थी फ्रेंड्स, तो मैं तीसरे के ऊपर जाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे जोड़ दूंगी और यहाँ पे मैं फिर दो तीन चार और पांच, पांच की चैन लूँगी और इसके ऊपर बिल्कुल जो ये दिखाई दे रहे हैं हम इसके ऊपर अब डालते जाएंगे, ये देखिए। और फिर मैं दो की चैन लूँगी, इसके ऊपर डालती जाऊँगी, फिर दो की चैन लूँगी और अब यहाँ किनारे पे डालूँगी और फिर दो की चैन लूँगी, फिर इसके अंदर डालूँगी। जैसे फ्रेंड्स हमारी ये 1 2 3 4 5, पांच जालियाँ दिखाई दे रही हैं। अब दूसरे राउंड में हमारी ये 7 हो जाएंगी और तीसरे में 9 हो जाएंगी। ये देखिए जैसे इसमें है, ये देखिए, ये देखिए। तो वीडियो पूरी देखें तभी तो आपको समझ आएगा कि ये डिज़ाइन कैसे बनना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया तो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और शायद अगली वीडियो में मैं आपको इसको जोड़ना भी बताऊंगी, जिससे आप इसमें बेडशीट, आप लेडीज़ जैकेट भी बना सकते हो अपने बच्चे के लिए, बड़े के लिए तो बना सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू।